Hey guys, welcome back to another Chai Talk podcast video. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या कॉजेज हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के, जो बहुत ज़रूरी हैं एक्चुअल में समझने. हालांकि अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉपर कॉजेज क्या हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज या फैक्टर्स जो मैंने स्टडी किए हैं या मैंने रिसर्च किए हैं अबाउट PED, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. पहला कॉज है वो है जेनेटिक्स. ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बिंज ईटिंग करता है उसके माइंड में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामाइन, जो रिवॉर्ड और प्लेजर वाली फीलिंग देता है. मींस के एक संतुष्टि देता है, एक रिलीफ देता है उस इंसान को जो बिंज ईटिंग करता है. मोर ओवर बहुत सारे एविडेंस हैं जो प्रूव कर चुके हैं दैट दिस PED इज इनहेरिटेड. मीन्स के ये या तो अपने पेरेंट्स से आई है या फिर उनके पेरेंट्स से आई है. अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कोर्स की, जो है जेंडर. जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है विमेन में एज कम्पेयर टू मेन. विमेन में क्यों ज़्यादा कॉमन है? क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज हैं और बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसके पीछे. थर्ड कोर्स है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का, चेंजेस इन द ब्रेन. ऐसा कहा जाता है कि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करता है फूड की तरफ, और वो अपने आप को चाहकर भी नहीं रोक पाते. नाउ फोर्थ कोज है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का बॉडी साइज. जिन भी लोगों को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है उनमें से 50% लोग ओवरवेट का शिकार हैं, और उनमें से बचे 25 या 50% लोग वेट लॉस सर्जरी करवाते हैं जिस वजह से वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं. अगला कोर्स जो हमारे पास है वो है बॉडी इमेज. मोस्टली जो लोग बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे होते हैं वो लोग अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो अपनी बॉडी से नफरत करते हैं. कुछ टाइम के लिए डाइटिंग या वर्कआउट करते हैं लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा भूखा रख लेना या स्टाफ कर लेने की वजह से वो कब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता लगता. सिक्स्थ कॉज है हमारा इमोशनल ट्रोमास. जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं या इमोशनल ट्रोमास होते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ्स में, लाइक कोई कार एक्सीडेंट या सडन डेथ किसी क्लोज वन की, या फिर कोई अब्यूज़ हुआ हो, या फिर कोई चाइल्डहुड बुली हुई हो ड्यू टू ओवरवेट, उस इन सब रीजंस की वजह से भी एक इंसान बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है. अब हम बात करते हैं अपने लास्ट कोर्स की, वो है अदर साइकोलॉजिकल कंडीशंस. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उन्हें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, लाइक डिप्रेशन, एक्सेस में अल्कोहल या ड्रग लेना, या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, या कोई भी फोबिया. गाइज, आखिरी में मैं यही कहूँगी कि अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा इंसान आपका दिख रहा है, कोई भी क्लोज फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है जो आपको दिख रहा है कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर रहा है बट उसे खुद नहीं पता है, तो प्लीज़ बी सेंसिटिव अबाउट इट. क्योंकि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की कोई भी एज नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है. तो मजाक मत बनाइएगा ये स्टेटमेंट कहकर कि तुझे तो पेट में कीड़े हो गए हैं इसीलिए तू बहुत ज़्यादा खा रहा है या खा रही है. सो प्लीज़ गाइस बी सेंसिटिव अबाउट इट एज मच एज यू कैन. इनफैक्ट आप उस पर्सन पर नज़र रखो, उसके एक्शंस पर नज़र रखो, जो जो भी मैंने सिम्टम्स आपके साथ शेयर करे वो चीज़ें देखो आप,
ऑब्जर्व करो कि अगर आपको वो सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं आपके साथ में किसी भी इंसान में, और अगर कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है आपके पास रिलेटेड टू बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ उन्हें ऐसा मत फील करवाइए दैट आप अशेम फील कर रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी अशेम फील करना, एम्बेरसमेंट, ये सब कॉजेज हैं ऑलरेडी BED के. तो प्लीज़ जितना हो सके उनके साथ जेंटल बिहेव करिएगा, और हो सके तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लीजिएगा. सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड गाइस. आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिली होगी जो आप ज़रूर फॉलो करेंगे या किसी भी अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे थ्रू दिस वीडियो. और शेयर करिएगा ये वीडियो को जितना हो सके, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टॉपिक जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. सो आई वॉन्ट कि जितना ज़्यादा हम अवेयर कर सके इस टॉपिक से रिलेटेड लोगों को, उतना ही अच्छा होगा. एंड आई विल सी यू इन अनदर फ्रेश चैट ऑफ पॉडकास्ट वीडियो सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे सेन. चीयर्स.